सुंदरवन के जंगलों में एक बाज रहा करता था। वो बाज बहुत ही ज़्यादा लालची था और वो लोगों के घरों तथा ज़मीनों पर कब्जा किया करता था और उन ज़मीन पर सेब की खेती किया करता था। उसने टोनी चिड़िया के घर पर भी कब्जा कर रखा था, जिसके कारण टोनी और उसका बेटा एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन टोनी का बेटा कहता है, माँ ऐसा कब तक चलेगा? हम उस बाज का अत्याचार कब तक सह सकते हैं? हमारा अपना घर होने के बावजूद भी हम छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। बेटा, वो बाज एक गुंडा है जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की है, उसने उसको मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे ही समय बीतता है। बंटी अपनी झोपड़ी के बाहर एक सेब का पेड़ लगाता है और कुछ दिनों बाद वहाँ पर बड़े बड़े सेब उगने लगते हैं। जब ये बात बाज को पता चलती है तो वो टोनी चिड़िया की झोपड़ी के पास जाता है और टोनी से कहता है, अरे ओ टोनी, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो निकलो यहाँ से, और ये सेब का पेड़ भी मेरा है। तभी बंटी कहता है, नहीं ये पेड़ मेरा है, इसको मैंने बोया है। जैसे ही बाज सेब के पेड़ से सेब तोड़ने लगता है तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सेब आ जाता है और वह सेब जादुई होता है। जादुई सेब बाज से कहता है, बाज बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, अब तुम कोई पर भी अत्याचार नहीं कर पाओगी। अब मैं तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दूंगा जिससे तुम कभी भी बाहर निकल नहीं पाओगी। तो वो जादुई सेब बाज को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और वो बाज हमेशा हमेशा के लिए उस पिंजरे में कैद हो जाता है। अब टोनी और उसका बेटा बंटी हंसी खुशी रहने लगते हैं और सेब की खेती भी किया करने लगते हैं। अब उनके पास इतना पैसा आ गया है कि अब वो एक बड़ा सा घर भी खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें।